राजी जी राइट साइड आदिल भाई आदिल भाई आदिल मतलब थोड़ा पीछे स्ट्रेट क्या जोड़ी है रब ने बनाई थी जोड़ी रब ने बनाई थी बहुत नजर लग रही है नजर लगनी चाहिए हाँ आदिल और मैं बीमार हो रहे हैं चलो बैठ के ला भाई घूम लिया सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड टू सी यू बोथ ऑफ यू आज आप सर की मॉम डैड फैमिली से मिलने आई हो ऐसा हमें सुनने में आया था क्या ये नहीं नहीं उनकी फैमिली आई है डेफिनेटली तो आप उनसे मिलोगे सिर्फ डिनर कर रहे हैं जी तो क्या कुछ ताज में हम लोग डिनर कर रहे हैं या आई एम हैप्पी तो मिलने के बाद क्या कुछ बोलने वाली हो उसके बारे में कुछ नहीं जस्ट डिनर करेंगे और वो मुझे देखेंगे मतलब मॉम डैड मतलब रियल मॉम डैड नहीं आए कज़न आए हैं है ना या ओ मेरी फैमिली तो ऑलमोस्ट हर चीज़ जानती है राखी के बारे में ऐसा नहीं कि दे डोंट नो बैंगलोर भी आ रही है राखी वेरी सून या तो आदिल सर के मॉम डैड से मिलने का कब है आपका प्लान वो जब भी मिलाएंगे तब और आगे रिश्ता बढ़ सकता है एक्चुअली इनका खानदान दुरानी फैमिली मतलब बहुत है ना तो अभी आंटी अंकल वैसे सब लोग आ रहे हैं हमारा डिनर है एक या तो क्या कुछ तैयारी की है आज के लिए थोड़ा नर्वसनेस नर्वस तो हूँ मैं बट मेरे साथ आदिल है इसलिए मैं डरती नहीं हूँ मतलब आदिल ने आपको सब कुछ ट्रेन कर दिया है क्या फुल ट्रेंड कैसे बोलना है कैसे रहना है कैसे इंप्रेस करना है डेफिनेटली हाल ही में आप लोग दुबई गए थे उस ट्रिप के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कितना एंजॉय किया आपको डॉक्टर की कोई डिग्री कैसे कुछ सुनने में आया MBBS किया है मैंने डॉक्टरेट मिला है राखी डॉक्टरेट राखी मतलब वो एक अवार्ड मिलता है ना वैसे कोई इतना डरो मत कि मैं किसी के MBBS ये डिग्री लेके ऑपरेशन करने चली जाऊंगी उसको डॉक्टरेट मिला है फॉर सोशल सर्विसेज के आई स्वेयर मैं कहती हूँ मुझसे ऑपरेशन करवा लो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएंगे वो वाली डॉक्टर नहीं है सोशल सर्विसेज के लिए डॉक्टरेट अवार्ड दिए हैं देखो आदिल मुझे कितना करेक्ट करते हैं मेरी ज़िंदगी का सही लाइफ पार्टनर है वो बट आपको सच बता दूँ आदिल खुद एक डॉक्टर है नहीं मेरे दोस्त डॉक्टर थे तो मैं उनके साथ पढ़ता था आई यूज्ड टू तो मेरे को थोड़ा नॉलेज है उसमें थोड़ा बहुत नॉलेज है नहीं नहीं मुझे जब मुझे पता चला कि उन्होंने सब कुछ सर्जरी के बारे में मेडिसिन के बारे में सब बताते हैं तो फिर ऐसा लगा कि अरे आपको कैसे पता मेरे को कभी भी उसमें इंटरेस्ट नहीं था मेरे को कभी भी बिजनेस में इंटरेस्ट था तो मेरे दोस्त जो थे पूरे डॉक्टर्स थे व्हाई यू टोल्ड मी आई एम अ डॉक्टर आई नो एवरीथिंग आई नेवर टोल्ड यू ए यू टोल्ड मी इसको एक बार मैं डांटा बिकॉज़ कुछ गलत गोली खा रही थी तो ऐसा बोला मैं बस तो राखी जी रक्षाबंधन आने वाला है तो राखी जी किन-किन बॉलीवुड भाइयों को राखी बांधते हुए दिखेंगी अभी जो एक दिन है ना मेरी फोटो इतनी वायरल होने वाली है ना रक्षाबंधन के दिन राखी मैं आई एम सेंडिंग यू राखी और ये सब मेरी फोटो भेज देते मत करो ऐसा अरे मुझे आदिल के लिए रहने दो सो एट द एंड सलमान सर को गन का लाइसेंस मिल गया उसके बाद आई एम डैम हैप्पी बहुत हैप्पी हूँ मैं बहुत खुश हूँ कि सलमान सर को गन का लाइसेंस मिल गया है एंड आई एम वेरी हैप्पी मैं तो बोलती हूँ सलमान सर आप टेंशन मत लो आपको कुछ नहीं होगा देश की पूरी जनता की दुआएं उनके साथ हैं और मैं भी उनके लिए दिन रात प्रे करती हूँ मैंने उनके गन लाइसेंस के लिए मैंने प्रे किया था कि गॉड उनको गन का लाइसेंस मिल जाए तो वो अपनी सेफ्टी के लिए फिर यू नो गन रख सकते हैं एंड कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं तो सलमान खान की बॉडीगार्ड बन सकती हूँ अच्छा ऑफकोर्स वाई नॉट मतलब अगर मैं वो ऐसे चल रहे अगर मैं उनके आगे से चलूँ अगर कोई गोली मारने वाला होगा तो मुझे लग जाएगी ना भाई को नहीं लगेगी मैं क्या मैं क्या करूँगा सलमान सर की बॉडीगार्ड आप फिर आदिल भाई की आप क्या करोगे वो तुमको पूछ रहे हैं हम तुमको पूछ रहे हैं सब लोग क्या तुम क्या करोगी मैं क्या करूँगा किस बारे में क्या करोगे तुम सलमान भाई के बॉडीगार्ड बन गए तो आप मेरे साथ ही रहोगे ना अच्छा मुझे भी गोली लगा दोगी क्या नहीं ऐसा थोड़ी ना कोई गोली का खाने का काम थोड़ी जो कोई मार के जाएगा सो एट द एंड आपकी रील्स का उनके पास और बहुत सारे सिक्योरिटी रहती है सो एट द एंड आपकी रील्स काफी वायरल होते हैं
काफ़ी ट्रेंडिंग में रहते हो, आपको प्यार देने वाली ऑडियंस से क्या कुछ कहना चाहोगे? यही कि मेरे और आदिल के लिए दुआ मांगो कि आज जो मैं जा रही हूँ डिनर में उनको मैं पसंद आ जाऊँ और इनकी फैमिली को मैं पसंद आ जाऊँ बस। वैसे ब्रॉड माइंडेड है इनकी फैमिली, आंटी सब लोग बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड है। सबसे ज़्यादा तो आदिल है, आदिल मेरे सारे नखरे उठाता है। से समथिंग चलो Bye.